नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉकलेनो वेव्स के बारे में जानेंगे, वो वेव्स कैसे बनती हैं और कहाँ यूज होती हैं इस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉकलेनो आल्सो नोन एज इमिटेशन लेनोज, मतलब मॉकलेनो वेव्स को लेनो के नाम से भी जाना जाता है। मॉकलेनो आर अ वैरायटी ऑफ वेव्स ऑफ ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन विच प्रोड्यूस इफेक्ट्स दैट सिमिलर इन अपियरेंस टू द गॉज और लेनो स्टाइल्स ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ डूप माउंटिंग। मतलब मॉकलेनो वेव्स सिंपल कंस्ट्रक्शन वाली वेव्स में से एक हैं जो कि जालीदार इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और इन्हें एक मैकेनिज्म होती है डूप माउंटिंग, उसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। दीज व्यूज आर जनरली प्रोड्यूस इन कॉम्बिनेशन विथ प्लेन व्यू, ट्विल व्यू, साटिन और अदर सिंपल व्यूज। इन व्यूज को जनरली प्लेन, ट्विल, साटिन और दूसरी सिंपल व्यूज की कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। अभी मॉकलेनो व्यूव का यूज़ कहाँ होता है? तो मॉकलेनो व्यूज को हम कैनवास क्लॉथ में यूज़ करते हैं, कर्टेंस हो गया पर्दे बनाने में, लाइट ड्रेस फैब्रिक्स बनाने में, ब्लाउजेज हो गए, एप्रन्स एट्सेट्रा आदि वस्त्रों को बनाने में मॉकलेनो वेव्स का यूज होता है। तो अभी चलते हैं, वेव बनाते कैसे वो देखते हैं। ये हमने एरिया लिया हुआ है, 8x8 का है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर में एरिया लेना होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ एंड्स होंगे उतने नंबर ऑफ पिक्स भी होने चाहिए। तो एरिया ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसको जो है फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने किया हुआ है, दो पार्ट्स को रेड कलर से दिया हुआ है और दो को ब्लैक से दिखाया हुआ है, तो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। फिर अभी इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमें एक मोटिफ बनाना होगा। जैसा कि कोई भी एक डिज़ाइन मान लीजिए, ये मैंने एक मोटिफ बनाया हुआ है, इसी को हम ये वाले पार्ट में डिज़ाइन करेंगे। फिर सिमिलर ये इसके अपोजिट ये वाले पार्ट में भी हम इस मोटिफ को बनाएंगे। फिर ये वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वार्प अप है, यहाँ पे वार्प को वहाँ वहाँ पे डाउन कर देंगे, और जहाँ जहाँ वेफ्ट डाउन है वहाँ वहाँ पे वेफ्ट को अप कर देंगे। तो चलिए बना करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाले मोटिफ को यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट डाउन है, टू अप है, फिर वन डाउन है, तो यहाँ पे वन डाउन, टू अप, वन डाउन, फिर यहाँ पे चारों जो है अप हैं, फिर यहाँ पे चार अप है, फिर यहाँ पे वन डाउन, टू अप, ये हो गया। फिर ये सेम मोटिव जो है यहाँ पे बनाएंगे, ये हो गया। अब ये वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे डाउन है तो हम यहाँ पे इसको अप करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा अप है तो हम यहाँ डाउन रहने देंगे, और यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे अप करेंगे। फिर इसी तरह से ये चार पेड़ अप है तो यहाँ हम डाउन रखेंगे, यहाँ भी अप है यहाँ डाउन रखेंगे, फिर यहाँ पे ये जो है हमारा डाउन है, ये दो अप है यहाँ डाउन है तो हम यहाँ पे अप करेंगे, ये दो डाउन रखेंगे, ये अप रखेंगे। सेम यही डिज़ाइन जो है यहाँ पे उतार देंगे। तो ये हमारा 8x8 में मॉकलेनो व्यू बन गई है। अभी इसका ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, इसके वार्प की वर्किंग देख करके ड्राफ्ट को बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वार्प के लिए फर्स्ट हील्ड यूज करेंगे, सेकेंड वार्प की वर्किंग के लिए सेकेंड हील्ड, और थर्ड वार्प देखिए सेकेंड वाले से मैच कर रही है तो हम ये सेकेंड वाली हील्ड यूज कर लेंगे। फिर ये फोर्थ वाला वार्प की वर्किंग जो है फर्स्ट वाले से मैच कर रही है तो हम फर्स्ट वाली हील्ड यूज कर लेंगे। फिर ये फिफ्थ वाले वार्प की वर्किंग जो है ये चारों में से किसी से मैच नहीं कर रही है तो हम नई हील्ड यूज करेंगे। फिर ये हमारा सिक्स्थ वाले वार्प की वर्किंग जो है ये भी किसी से मैच नहीं कर रही है तो हम नई हील्ड यूज करेंगे। ये वाले वार्प की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है तो हम यही वाली हील्ड यूज कर लेंगे, और ये वाले वार्प की वर्किंग जो है ये वाले से मैच कर रही है तो हम ये वाली हील्ड यूज कर लेंगे। अब आते हैं पेक प्लान कैसे बनाएंगे। ये वीव और ड्राफ्ट की हेल्प से हम पेक प्लान बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली हील्ड की हेल्प से फर्स्ट वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए वन डाउन है, हमने वन डाउन कर दिया, फिर ये दो अप है
दो अप कर दिया, फिर वन डाउन है, वन डाउन किया, फिर ये वन अप है, वन अप किया, फिर यहाँ दो डाउन है, दो डाउन कर दिया, फिर ये वन अप है, वन अप कर दिया। अब इसी तरह सेकेंड वाले कॉलम में क्या करेंगे, सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से सेकेंड वाले वार्प की वर्किंग दिखा देंगे। फिर ये थर्ड वाले कॉलम में थर्ड हील्ड की हेल्प से या फिफ्थ वाले वार्प की वर्किंग दिखाना होगा। फिर ये फोर्थ वाले कॉलम में फोर्थ हील्ड की हेल्प से सिक्स वाले वार्प की वर्किंग हमको दिखाना होगा। तो ये इस तरह से 8x8 के एरिया में हमारी मोकलेनो व्यू बन गई है। अभी देखते हैं एक 10x10 के एरिया में बनाते हैं। यहाँ पे हमने 10x10 का ग्राफ बनाया हुआ है, इसको भी हम पहले फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर एक मोटिव हमने बनाया हुआ है, इस मोटिव को ये रेड वाले पार्ट में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पहले वन डाउन है, थ्री अप है, फिर वन डाउन है, तो वन डाउन, थ्री अप, फिर वन डाउन, फिर यहाँ पे फाइव अप है, फाइव अप कर दिया, ये हो गया, ये हमने मोटिव बना लिया। अभी सेम मोटिव हम यहाँ भी बना लेते हैं। ये बन गया। अब ये वाले पार्ट में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आप है वहाँ डाउन करेंगे और जहाँ जहाँ डाउन है वहाँ वहाँ अप करेंगे। तो यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे हम अप कर देंगे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी तरह से ये हो गया। तो हमारे 10x10 के एरिया में मोकलेनो व्यू बन गई है। अब वार्प की वर्किंग देख करके हम जो है हील्ड की वर्किंग दिखा देंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले वार्प के लिए हम फर्स्ट वाली हील्ड यूज करेंगे, सेकेंड वाले वार्प के लिए सेकेंड हील्ड, और ये थर्ड फोर्थ की वर्किंग जो है सेकेंड वाले से मैच कर रही है तो हम यही हील्ड यूज कर लेंगे। फिर ये फिफ्थ वाले वार्प की वर्किंग जो है फर्स्ट वाले से मैच कर रही है तो फर्स्ट वाली हील्ड यूज करेंगे। फिर ये वाले वार्प की वर्किंग जो है, फिर ये वाले वार्प की वर्किंग जो है किसी से भी मैच नहीं कर रही है तो नई हील्ड यूज करेंगे। फिर ये वाले वार्प की वर्किंग भी किसी से मैच नहीं कर रही है तो यहाँ भी नई हील्ड यूज करेंगे। और ये दोनों वार्प की वर्किंग जो है ये वाले से मैच कर रही है तो हम यही हील्ड यूज करेंगे। और ये वाले वार्प की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है तो हम ये वाली हील्ड यूज करेंगे। अब ड्राफ्ट और वीव को देख करके फटाफट पेक प्लान भर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम में फर्स्ट हील्ड की हेल्प से फर्स्ट वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे, और सेकेंड वाले कॉलम में सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से सेकेंड वाले वार्प की वर्किंग, थर्ड वाले कॉलम में ये थर्ड वाले हील्ड की हेल्प से ये सिक्स वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे, और ये फोर्थ वाले कॉलम में फोर्थ वाली हील्ड की हेल्प से सेवेंथ वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी मोकलेनो व्यू बन गई है। अब आप इसके ग्राफ पैड पर प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं। और आगे आपको कौन सी व्यू का वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी व्यू बनाने में जो भी दिक्कत हो रही हो उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।